हम बात करेंगे अपने जॉन डियर के ऑयल फिल्टर के बारे में। ये टूटेगा नहीं, फूटेगा नहीं, कुछ नहीं होएगा इसको। जो अपने मशीन करी की भी देखभाल नहीं कर सकते बंदे। ये बॉश कंपनी के देखो, जेन्युइन बिल्कुल। हाय दोस्तों, कैसे हो भाई आप लोग? पहले तो सोनू भाई के सारे भाई ने राम राम। मारे दर ट्रैक्टर आते 15 से। आज हम अपने इसकी सर्विस के बारे में बताएंगे, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसा सामान डलवाना चाहिए और क्या क्या हमने इसमें करना चाहिए। लो भैया, ट्रैक्टर हमने तेल काट दिया इसका, ये डीजल फिल्टर खोल दिए हैं, एयर फिल्टर भी खोला है, गाड़ना बाकी है। ये इधर से ऑयल फिल्टर खोल दिया हमने सारा। अब हम आपको बताएंगे हमने किन किन बातों का ध्यान रखना है सर्विस करते समय। ये 53 है, ये रोड़ी बदरपुर का काम है भाई का। मतलब इस सबसे पहले हम बात करेंगे अपने जॉन डियर के ऑयल फिल्टर के बारे में। ऑयल फिल्टर में क्या, एक तो हमने फिल्टर लगाने से पहले हमने चेक कर लेना है इसकी सेफ्टी वाल्व को, और दूसरी बात यह है कि जब भी हम किसी पर सर्विस कराएं तो हमारा पार्ट जेन्युइन होना चाहिए। तो हमने ये देख के अपना वाल्व सारी चीजें सेफ्टी वाल्व तो सबसे पहले हम अपना ये ऑयल फिल्टर कसेंगे। इसको बिल्कुल अच्छी तरह से कसना है हमें। लो भैया, अपना वाटर सेपरेटर है तो सर्विस करते समय एक बार इसको भी खोल देना चाहिए। इसमें गन देखो, पहले कचरा कितना है, इसको हमने अच्छी तरह से साफ कर देना बिल्कुल, ताकि कोई कस्टमर हमारे से शिकायत ना करे किसी भी बात की। इसका भी हमने विशेष ध्यान रखना है सर्विस करते समय। और ये अपने भाई एयर फिल्टर है, जो कि ड्राई टॉप एयर क्लीनर के फिल्टर है। ये इसमें तेल वाले नहीं है, ये सूखे हैं। हमने इनका भी बहुत ही विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि इनका कनेक्शन सीधा इंजन से है, कहीं हमारे इंजन में मिट्टी माट्टी ना जाए इनकी वजह से। ये छोटा फिल्टर है देखो, पहले इसको हमने इस साइड से डालना है, और जो बड़े वाला फिल्टर हमारा इसको ऐसे मार के झाड़ देना है बिल्कुल। देखो कितना गंदा है इसमें। ये टूटेगा नहीं, फूटेगा नहीं, कुछ नहीं होएगा इसको, और ना ही मारते समय डरने की जरूरत हमने, ताकि हमारा तब तक हमने ये झाड़ना है तब तक ये बिल्कुल अच्छे से क्लीन नहीं हो जाता। ये इसका उल्टा तो लगेगा नहीं, ये हमेशा उल्टा ही लगेगा कुछ इस तरह से। और ये अपना इसका कैप है, इसको भी हमने अंदर से साफ कर लेना है एक बार, और साफ करके इसको लगाना है। लगाते समय हम इसकी एक बार रबड़ निकाल लेंगे, ताकि हमारा ये अच्छे से लग जाए। ये इसके लॉक हैं, जो कि हमने तीनों तरफ से बहुत ही अच्छे से लगाने हैं। ये अपना एयर क्लीनर है भाई, जो हमने बिल्कुल ही साफ कर दिया एक बार। इसके बाद हम बात करेंगे कोलेंट की। कोलेंट भी इसके साथ साथ पूरा ही होना चाहिए हमारा। देखो पानी भर रखा कस्टमर ने, क्या कर के रह जा सकता भाई, इन कस्टमर आगे बताओ, पानी डाल रखा है। मतलब एक बार हम इसका पानी निकाल देंगे, देखो कितना पानी भर रखा है, ये सारा पानी निकाल लेंगे एक बार हम इसका, और उसके बाद कोलेंट डाल लेंगे इसमें। लो भाई, हम अपना ये रेडिएटर का कैप खोल लेंगे एक बार भाई, न तो रेडिएटर में भी नहीं,
कुछ नहीं डाल रखा रेडिएटर में भी, उसमें तो जरूर पानी डाल दिया उन्होंने, लेकिन रेडिएटर में कुछ नहीं डाला। बताओ क्या करें इनका, जो अपनी मशीन करी की भी देखभाल नहीं कर सकते बंदे। ले भाई हम अपना रेडिएटर में पहले पूरा करेंगे इसको, रेडिएटर में बहुत ही कम पानी है, कुछ इसमें डाल देंगे, अब बाकी का रेडिएटर में हम पानी डाल लेंगे। पहले पाइप लगा देते हैं इसकी एक बार, और ये ढक्कन लगा देंगे इसका भी। अब एक बार रेडिएटर में और पूरा कर देते हैं पानी लगा के। लो भाई अब हम अपना एक बार रेडिएटर का और पानी पूरा कर देते हैं। एक डब्बा तो हमने कोलेंट का डाल दिया इसमें, अब हो यार पूरा डेढ़ डब्बे की कमी थी इसमें भी। देखो जब हमने ये तो कर दिया कंप्लीट, अब हम बदलेंगे इसका डीजल फिल्टर। सबसे पहले तो हम अपने ग्लास धोएंगे एक बार, ताकि इनमें कोई कचरा वचरा ना रहे। और उसके बाद ये अपने हैं डीजल फिल्टर, ये बॉश कंपनी के, देखो जेन्युइन बिल्कुल। तो हमने ये लगाने हैं भाई, ये फिल्टर भी दो तरह के भी अपने, एक तो प्राइमरी एक सेकेंडरी, और दोनों को हमने हिसाब से लगाना है जहां जिसकी पोजीशन है वहीं पे। ये हमने प्राइमरी लगा दिया, उसके बाद सेकेंडरी लगाएंगे। ये इसका फिल्टर सेकेंडरी है जो गत्ते वाला है। सबसे पहले हम अपने पहले फिल्टर को टाइट करेंगे, और उसके बाद हवा काटेंगे इसकी। ये अपना हैंड प्राइमर है, ये हमने अपनी हवा बिल्कुल अच्छे से काट लेनी है, फुल बढ़िया तरह हवा नहीं रहनी चाहिए इसमें। कुछ इस तरीके से हवा काटनी है भाई। और फिर हमने 10-20 हैंड प्राइमर वैसे ही मार देने इसमें। लास्ट में हमें सबसे खास बात बताएंगे आपको, ये चैम्बर का बोल्ट अपना ये वॉशर है, हमने ये अच्छे से पहले कस लेना है, ऐसा ना हो कि हम ऊपर से तेल डालते रहे और नीचे से निकलता रहे। इसको हमने अच्छी तरह से कस लेना है, बिल्कुल टाइट करना है पन्ने से। लो भाई हम अपने क्लच में एक बार प्ले करेंगे, प्ले करने के लिए सबसे पहले हम अपनी पिन निकाल लेंगे। पिन निकालने के बाद हम इसकी एक दो चूड़ी उतारेंगे जितनी हमें ज़रूरत है।
और चूड़ी उतारने के बाद इसकी एक बार पिन लगा कर फिर इसकी फिटिंग कर देंगे हम दोबारा से। और हमारी क्लच में इतनी पले रहनी ज़रूरी है, देख लो। ये देख लो भैया, हमारा तेल डालने का कैप है, पहले हम इस कैप को खोल लेंगे। खोलने के बाद इसमें हम अपनी कीप लगाएंगे, कीप अच्छे तरह से लगा लेनी है और उसके बाद हमें भी अपना तेल डाल लेंगे। तेल डालने से पहले हमने देख लेना है भाई नकली कोई सामान ना हो हमारे पास, और सारा जेन्युइन सामान डलवाना हमने अपने ट्रैक्टर में। और हमने अपना पूरी ये 8.5 लीटर की बाल्टी है जो कि ये पूरी आती है इसमें जोन डियर में अपने, ये हमने बिल्कुल इसकी बूंद बूंद सारी निचोड़ देनी है, बिल्कुल ही खाली कर देना इसको सारे को। और फिर हमने बाद में ये कीप उठा के एक बार ड्रेन पर लगा दोबारा से लगा देना है इसका। एक बार भाई हम अपना तेल भी चेक कर लेते हैं कितना है कितना नहीं है। और ये देख लो तेल भी हमारा पूरा हो चुका है। मैं भाई अपना ट्रैक्टर बिल्कुल रेडी हो चुका है, कंप्लीट हो गया सारा, कोई लीकेज नहीं है।